ये है हमारा रॉट व्हीलर, ठीक है। देखो ये कैसे करता है, ये कैसे दौड़ता है। देखो रॉट व्हीलर दौड़ा दौड़ा दौड़ा, वो चला गया। ये आती आती है, ये सितंबर अक्टूबर की जो बारिश होती है ना, ये फसल के टाइम पे आती आती है, फसल बर्बाद करती है। कैसा गया पेपर? अच्छा ही जाता है पेपर तो भाई, रोज हर वीडियो में अच्छा पेपर जाता है, पर नंबर पता नहीं कैसे आते हैं। ये क्या, इसमें तो सारे टिक लगाने वाले थे, ये तो तूने कर ही लिया होगा। ये देख, ये सारे टिक लगाने वाले हैं। अगर ये पेपर अच्छा नहीं गया रे बेटा, अच्छा जाएगा ना, मैंने पूरा तब बताऊंगी मैं तुझे। अच्छा जाना चाहिए वरना देख लेना। हाँ अच्छा, तो सारे पेपर जाते हैं, नंबर देखते वक्त थोड़े नंबर कम हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं, है ना? नहीं, इस बार ठीक आएगी वो। हवा नहीं है मुझे लग रहा है इसमें, आगे के टायर में कम है जैसे। देखो सही है, चलो बाइक पे ही जाते ना, बाइक पे सामान रखने के लिए आएंगे टिक्की के अंदर, सामान तो पन्नी में ले आएंगे। मुझे जाना था मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, बट बारिश बहुत तेज होने लग गई थी, तो हम लोगों ने मार्केट जाने का प्लान आधे रास्ते से कैंसिल कर दिया। और फिर हम लोग जो भी सामान मुझे थोड़ा बहुत लेना था वो पास की ग्रोसरी शॉप से मैंने ले लिया, और कुछ और थोड़ा सामान था जो कि घर के लिए चाहिए था वो सब मैंने वहीं से ले लिया। और हस्बैंड जी और मैं जो है छाते में हैं, और वो मुझे हमेशा डांटते हैं कि जब भी बारिश होती है या ऐसा मौसम होता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम हो जाता है। तो बस पूरी देखो आप सड़कों पर पानी भरा हुआ है, तो बस हम जल्दी घर वापस आ गए थे। तो आरू जो है, हाँ जी, एक गेम खेले। क्या गेम खेलना? रंग पेपर सीजर। इसमें ना अगर आपका पेपर आया तो मैं आपको काट दूंगा। काट दूंगा मुझे? क्या मेरी गर्दन काटेगा? आपका पेपर आया तो आप क्या चीजें कर जाओगे? अच्छा ठीक है। और अगर आपका वापस से पेपर आया और मेरा स्टोन है तो आप मेरे को रैप कर दोगे। अच्छा कैसे खेलते हैं? मुझे नहीं आता खेलना, सिखाना पड़ेगा तुझे। जैसे ऐसा करना है, कैसे? रॉन्ग पेपर सीजर। रॉन्ग पेपर सीजर, ठीक है। रॉन्ग पेपर सीजर ऐसे करना है। टाई हो गया, टाई हो गया। मैंने तेरी काट दी सीजर, तुम नहीं, मेरी नहीं। हाँ अगर हम दोनों का सीजर आया हाँ तो कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है। अगर आप पेपर सीजर, नहीं नहीं, मैं मेरे को क्यों काटा तूने? पता क्यों? क्योंकि आपका पेपर आया तो पेपर कट जाएगा। अच्छा मेरा कैची आया, आपका पेपर आया। अच्छा अच्छा, एक पॉइंट मिल गया मेरे को। ठीक है, पेपर सीजर। ये क्या है? गेम खेलने की जरूरत है। गेम खेलने की जरूरत है? गेम नहीं खेलना आज, कल एग्जाम है ना शुभिका? कल तो छुट्टी है। शुभिका एक नंबर तो आ रहा है और दूसरा आ ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। एक तो इतना बड़ा आ गया यार शुभी, तेरा दूसरा क्यों नहीं आ रहा बच्चा? ये देखो शुभी जोकर बन गया, एक वो जोकर नहीं आता था उसकी तरह लग रहा है जोकर। छी गंदा लग रहा है, गंदा फेस एकदम, हट, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जिस दिन सुबह होता है ना घर में, उस दिन तो भाई आप काम निपटा ही नहीं सकते हो, कुछ हाँ। काम कर ही नहीं सकते हो। मैं यहाँ ये चादर ठीक करके जाती हूँ, सुबह उस अलमारी पे चढ़ता है, पीछे कूदता है वहां से नीचे, और पूरी दिन भर ना चादर में कूदा फांदी करता रहा ना। तो नहीं नहीं नहीं, अब नहीं बताना है, ठीक है? नहीं पता है उनको, नहीं चढ़ना। अरे मेरा बच्चा क्या लाया? ओ भाई साहब आजकल तो सुबी ना भाई, सुबी तू इतना कामयाब कैसे है बेटा, तू इतना जिम्मेदार बच्चा कैसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया दीदी के साथ का, है ना? सारे समझता हूं कि आपको कोई परेशानी ना हो और दीदी को भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आरुषि इतना इतना सोचता है, जब मारते तब क्यों नहीं सोचता तू मेरे बारे में? खुद नहीं मार, खुद नहीं मार, मुंह ऐसे रख, मुंह ऐसे रख, नहीं ऐसे नहीं, इस हाथ को ऐसे रख, ऐसे ले दाढ़ी। तो अब शुभी दीदी की पेंटिंग बनाने वाला है। दीदी हाँ भैया ऐसे रख, आर्टिस्ट बिल्कुल।
बहुत गंदी पेंटिंग बना रहे हो, मुझे पता है। दिखाओ दिखाओ पिक्चर दिखाओ। दीदी खांसती है। ये देखो फ्रेंड्स, दीदी की फोटो बनाई है। और इधर आरुषि ड्राइंग बनाते हुए और मैं कमेंट्री करते हुए इन दोनों की। अभी देखने का नहीं है भाई, बाद में देखना है। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। आरुषि छुपा के बना। दीदी अलमारी भी तो बना। क्या तुझे हवा में उड़ता हुआ बनाए हम? हाँ। सुबह गिरना मत बेटा, नीचे आ जा। ये मैं ना ये अलमारी यहाँ से हटा दूंगी भाई, तू उल्टा काम। धीरे से आओ, चोट लगी पैर में। सुपी मम्मी पड़ा हुआ देखना जरा। गाइस मेरी मस्ती तो चलती रहेगी। आप मेरे ब्लॉग को चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर देना। चलो मम्मी खाना बनाओ। तो फ्रेंड्स इन लोगों की मस्ती तो चलती रहेगी, वो देखिए वो लगे हैं अपने काम पे। तो बस इसी के साथ करेंगे इस व्लॉग को एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।